मोदी के जरिए की गई है। वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र, जिस मंत्र का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच, हर स्तर, हर प्लेटफॉर्म से करते हुए आए हैं। वो जानते हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान कितना जरूरी है, आज किस तरह से दुनिया में भारत की अहम भूमिका है, भारत ने अपनी किस तरह से पहचान, अपनी दृढ़ता, अपनी दृढ़ शक्ति को सामने रखा है, G20 के जरिए भारत का जो सामर्थ्य है किस तरह से सामने आया है, और देश का जो युवा है किस तरह से हिंदुस्तान की नींव है, हिंदुस्तान की ताकत है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को दिए गए अपने इंटरव्यू में किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक संबंधों का जिक्र भी करते नजर आए, जिसमें मंत्र का जो कि उनके जरिए कहा गया है, सबका साथ सबका विकास। तो moneycontrol.com को पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा, सबसे खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, वैश्विक संबंधों, युवाओं की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत, सबका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस इंटरव्यू के जरिए नजर आए हैं। और यह भी कहा कि हिंदुस्तान किस तरह से हर समस्या का समाधान यहां पर सामने लाता है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की भूमिका बेहद खास रही है और G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। देखिए, G20 की अध्यक्षता जब हिंदुस्तान को मिली, यहां पर हिंदुस्तान ने बखूबी इतनी जिम्मेदारी को यहां पर निभाया है और देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से तैयार है एक बार फिर से अपनी वही कुवत, काबिलियत, अपना वही सामर्थ्य दिखाने के लिए। उस अदम्य साहस के साथ में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का ये मंत्र एक बार फिर से अपने इंटरव्यू के दौरान दोहराया है, जो कि moneycontrol.com को दिया गया है। सबसे खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बस थोड़ी ही देर में आपके सामने होगा। समाधान की हर कोशिश में भारत सामने आया है, भारत का साथ जो है वो दुनिया के देशों को मिला है, G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान अपनी ताकत को जिस तरह से लगातार सामने लाता रहा है, उसकी नीति, दिशा निर्देश, उसकी रणनीति, उसकी कूटनीति ने यह साबित कर दिया है कि हम हर परिस्थिति, हर चुनौतियों से लड़ने में कामयाब है। और सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद दिया, उसको एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए। सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत को लेकर ही नहीं, बल्कि वैश्विक समस्याओं का समाधान भी आज के मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में कितना जरूरी है। हिंदुस्तान की जो भूमिका है, भारत की जो भूमिका है, वो विश्व में, दुनिया में किस तरह से सबसे खास है, सबसे अहम है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। और देश के युवाओं का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 140 करोड़ की जनता की ताकत का भी जिक्र moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को सेवक कहा है। हमेशा उन्होंने कहा है कि देश की जो 140 करोड़ की ये जनता है, जो लोग हैं, जो भारतीय है, उनका साथ उनके पास मौजूद है, ये वो ताकत है जिसके बूते आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अपनी हर नीति में शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक वो यही मानते हैं कि सब तक पहुंचनी चाहिए उनकी उपलब्धियां, उनकी कामयाबियां, उनकी नीतियां, उनकी योजनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ खास कहा है, हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, moneycontrol को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में सबसे खास डिजिटल, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा बस कुछ ही देर में, युवाओं की ताकत का जिक्र करते नजर आए, देश की 140 करोड़ की जनता का जिक्र करते नजर आए और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को भी दोहराया। वैश्विक समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो वैश्विक समस्याएं हैं, जिनसे ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये पूरी दुनिया जो जूझ रही है, उसका समाधान जरूरी है। हम सब जानते हैं युद्ध की स्थिति कहीं बन रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, ऐसे में वो जानते हैं ये वैश्विक समस्याएं हैं जिनका समाधान जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब सबका साथ सबका विकास, जो कॉन्सेप्ट, जो ये मंत्र है, उस पर पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। विकासशील देशों के हित में काम करने का भी उन्होंने जिक्र किया। हमारे G20 एजेंडे का समर्थन यहां पर किया जा रहा है, G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। देखिए, वो सामर्थ्य बढ़ा है जिसे लेकर लगातार कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की गई है, वो उपलब्धियां उन्होंने यहां पर गिनाई हैं, बताई हैं कि किस तरह से वो दिशा और वो दशा हिंदुस्तान को दी गई है, जिससे उसकी ताकत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्तर पर चौतरफा मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो कुछ ही देर में यह सबसे बड़ा, पहला डिजिटल इंटरव्यू आपके सामने होगा, बस थोड़ी देर का यह इंतजार होगा, जो कि moneycontrol.com को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब G20
की जो अध्यक्षता है हिंदुस्तान कर रहा है, और 9 और 10 सितंबर की ये वो तारीख होगी जब देश की राजधानी दिल्ली से सबसे ताकतवर तस्वीर निकलकर पूरे विश्व के सामने आएगी। देखिए आज जो ये पूरी दिल्ली सजी हुई है, दरअसल ये सजावट नहीं है, ये हिंदुस्तान की ताकत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को दिए गए अपने इस डिजिटल इंटरव्यू के जरिए भी कहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हमेशा बढ़ावा दिया गया है। वो मानते हैं जो बात कही जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो किस तरह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पहुंचती है, घर घर तक पहुंचती है, गली गली तक पहुंचती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एक एक शब्द का क्या इंपैक्ट होता है, क्या संदेश वो अंतिम छोर तक जाता है, अंतिम पंक्ति तक जाता है। वैश्विक समस्याओं के समाधान का देखिए जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना नहीं भूले। वो जानते हैं कि आज दुनिया में किस तरह से कई देश एक दूसरे से बटे हुए हैं, किस तरह से उनके युद्ध का खामियाजा आम जीवन को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में समाधान भी बताया, सबका साथ सबका विकास, हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत का भी जिक्र किया। महंगाई इसे रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को दिए गए इस इंटरव्यू में महंगाई का भी जिक्र किया कि महंगाई को रोकने के जो भी मुमकिन कदम उठाए जा सकते थे वो उनके जरिए, उनकी गवर्नमेंट के जरिए उठाए गए हैं। जो जो बातें, जो जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस इंटरव्यू के जरिए दिए गए हैं बस थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगे। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से पहले यह सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे खास, सबसे बड़ा और सबसे अहम इंटरव्यू अपना दिया है जिसमें भारत की ताकत का जिक्र किया है, भारत के सामर्थ्य का जिक्र किया है, भारत की 140 करोड़ की जनता का जिक्र किया है, भारत की उस युवा पीढ़ी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत का युवा देश की आने वाली दशा और दिशा को यहां पर तय करेगा, ये वो नींव है जिसका मजबूती के साथ टिका रहना बेहद जरूरी है। देखिए वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र, कौन सा मंत्र, सबका साथ सबका विकास, यानी कि जब सब साथ चलेंगे तभी विकास होगा। उस टीम वर्क का वो जिक्र हमेशा से करते हुए आए हैं जिसके जरिए वो जानते हैं कि कोई भी नीति, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी नियम तभी लागू हो सकता है, तभी वो कागजी तौर से निकलकर जमीनी स्तर पर पहुंच सकता है जब सब मिलकर सबके साथ के जरिए वो आगे पहुंचेगा। तो हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार के जरिए किए गए उन उपलब्धियों का भी जिक्र किया, उन खामियाबियों का भी जिक्र किया, उन नीतियों का भी जिक्र किया जिसके जरिए आम जनता तक वो सुविधाएं पहुंची हैं, यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश की गई है, हर वो मुमकिन नियम बनाए गए हैं जिनका फायदा देश की जनता को यहां पर मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि moneycontrol.com को ये इंटरव्यू दिया गया है, लोगों को राहत देने के लिए हमने बड़े कदम यहां पर उठाए हैं। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में हम आपको दिखाने वाले हैं जब देश की निगाहों में G20 है, जब वैश्विक स्तर के एक से एक बड़े जो नेता हैं वो सभी भारत पहुंचने वाले हैं, और ऐसे वक्त में भारत की रूपरेखा, भारत के विकसित राह पर बढ़ते हुए हर कदम के बारे में जब देश के प्रधानमंत्री ने एक एक बात बताई है इंटरव्यू के दौरान, तो आपको सुनकर भी एहसास होगा कि भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लोगों को राहत देने के लिए हमने बड़े कदम उठाए हैं। ये पीएम की जो बड़ी बातें हैं जो moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि पीएम ने कहा क्या है, कौन कौन से मुद्दों पर फोकस किया है लोगों को राहत देने के लिए, वो तमाम जो योजनाएं हैं जिसमें हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, इस पे पीएम ने फोकस किया। और पीएम को जब भी आप सुनेंगे, चाहे वो इंटरव्यू के जरिए सुने, किसी भाषण का हिस्सा सुने, तो उसमें युवाओं का जिक्र, उसमें 140 करोड़ भारतीय का जिक्र जरूर होता है, और युवा कैसे इस विकसित भारत का हिस्सा बन रहे हैं उस पर भी पीएम ने फोकस किया है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, और ये ऐसे वक्त में ही इंटरव्यू है जब G20 की तैयारियां देश की राजधानी दिल्ली में है। दुनिया में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, अब से दो दिन पहले भी पीएम ने इस बात को दोहराया था कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, मकसद अभी तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया के विकसित देशों की शुमार में हमें पहली पंक्ति पर जाकर पहुंचना है, और ये इस वक्त पीएम इंटरव्यू के दौरान यानी moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में भी इन बातों का पीएम ने जिक्र किया है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, हालांकि कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
जिसका भी वक्त वक्त पे पीएम चाहे अगर वो विश्व के किसी मंच को साझा करे वहां से भी बोलते हैं, और भारत में अगर कहीं वो बोल रहे हो तो भी इस पे फोकस करते हैं कि कोरोना के दौरान ना सिर्फ भारत के जनताओं को संभालना बल्कि वैश्विक स्तर पर हमने उन तमाम देशों को भी सहयोग दिया जो हमसे या तो उनकी भूमिका कम है या फिर जिन देशों के पास वैक्सीन नहीं है, जिन देशों के पास दवाई की सुविधा नहीं थी, तो हमने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इस मंत्र को लेकर हम वैश्विक मंच पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये इंटरव्यू बेहद खास है, पीएम ने हर एक मुद्दे पर फोकस किया। अगर भारत की जनता के उसके पब्लिक के मन में कोई भी सवाल है उन तमाम सवालों का जवाब इस इंटरव्यू के जरिए मिलना है। वैश्विक संबंधों पर फोकस किया है क्योंकि हमारी भी कोशिश यही थी कि ये इंटरव्यू अगर G20 के दौरान अगर हम ले रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई बातें जरूर पूछे क्योंकि दुनिया के ताकतवर मुल्क के जो नेता हैं जिनकी वैश्विक पहचान है वो सभी एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। उन लोगों के बारे में जानना, उन देशों से हमारे कैसे संबंध हैं और G20 के बाद कैसे संबंध ये रहने वाले हैं, किस मजबूती के साथ ये संबंध आगे बढ़ने वाला और भारत को कितना फायदा पहुँचने वाला है, इस पर फोकस किया है पीएम मोदी ने। भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किस तरह की छाप छोड़ रही है, छोड़ चुकी है और आने वाले वक्त में छोड़ सकती है, वो आज संपूर्ण विश्व के सामने है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान जब अपनी बात कहता है तो न सिर्फ उसे सुना जाता है बल्कि बाकी देश, ताकतवर देश, उस पर अमल भी करते हैं। ऐसे में moneycontrol.com को जो इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। तमाम अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात यहाँ पर सामने आई है। पीएम मोदी महीने मन की बात भी जब करते हैं तब भी उन मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन G20 की क्योंकि अध्यक्षता यहां पर हिंदुस्तान कर रहा है दिल्ली में, अब 9 और 10 सितंबर को सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे भव्य तस्वीर, महाताकत महाकवरेज जो हमारी जारी रहेगी उसके जरिए आने वाली है। ऐसे में देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के जरिए अध्यक्षता करना सिर्फ बड़ी बात नहीं है बल्कि उस अध्यक्षता को बखूबी यहां पर संभालना, बखूबी हिंदुस्तान की कुवत और काबिलियत को विश्व सामने रखना, हिंदुस्तान ने बता दिया है कि हर मोर्चे पर वो कामयाब है और हर मोर्चे पर हिंदुस्तान अपना तिरंगा फहराना जानता है। दुनिया का भी जिक्र करना वो समझ गया, दुनिया में भारत की अहम भूमिका इसे कई लहजे से समझा जा सकता है। रूस यूक्रेन का युद्ध होता है तो हिंदुस्तान की आप ताकत देखिए, भारतीयों को वहां से निकालने के लिए युद्ध को कुछ घंटे के लिए रोक तक दिया जाता है। कोरोना के वक्त में जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपना सामर्थ्य दिखाया है वो पूरे विश्व के सामने है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ, भारत एक शांति प्रिय देश है इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने हमेशा समाधान की बात की है वो भी सामर्थ्य के चलते। महंगाई रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए क्योंकि महंगाई से जिस तरह से बार बार विपक्ष ने घेरा उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान अपनी बात रखी है कि महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश यहां पर की गई है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते आए हैं और उन्होंने कहा है कि वैश्विक समस्या का समाधान जरूरी है। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वैश्विक जो संबंध है मजबूती लाने के लिए, उन लड़ाई झगड़ों से, उन युद्धों से कोसों दूर जाने के लिए बेहद जरूरी है सबका साथ सबका विकास। वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र, यानी कि सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं क्योंकि बार बार उनके जरिए ये कहा जाता रहा है कि इसी तरह से यही मंत्र जो है वो शांति ला सकता है। तो इस वक्त हम फोकस करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू moneycontrol.com को मिल चुका है। अमिताभ जी हमारे सीनियर सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। अमिताभ जी, जब पीएम मोदी किसी मंच से बोले, वैश्विक मंच से बोले या भारत से या इंटरव्यू के दौरान, अगर अंतिम छोर पे बैठे हुए भारत की व्यक्ति के बारे में उनको एहसास है तो ये भी एहसास है कि वैश्विक मंच पे भारत को कहां तक लेकर जाना है। इस इंटरव्यू में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 समिट के ठीक पहले आया है और खासकर एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 को मिला है और मनी कंट्रोल हमारा सबसे बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है उसको मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा संदेश देगा। मुझे लगता है पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को भी ये बहुत अच्छा संदेश देने वाला है। ये जो सबसे बड़ी बात G20 के बारे में प्रधानमंत्री ने कही है वो ये है कि ग्लोबल साउथ के विषय में जो प्रधानमंत्री बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं, जो वो देश जो विकसित नहीं है, जो विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, इन सब देशों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ना है,
विकसित देशों के एजेंडा में जोड़ना है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि जो भारत में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जो उनका एजेंडा था वो ग्लोबल साउथ के विकास के लिए G20 और दुनिया भर में जितने देश हैं चाहे कोई भी बैठक हो उसमें इसको शामिल करके दुनिया के बाकी जो गरीब तबका है गरीब देश है उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये प्रधानमंत्री ने साफ किया इस इंटरव्यू में। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तीन डेवलपिंग वर्ल्ड के जो विकासशील देशों के तीन सबसे बड़े देश हैं, एक इंडोनेशिया, हाँ। एक भारत और एक ब्राज़ील, इन तीनों देशों का ट्रोइका जो है ये बहुत आने वाले दिनों में काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तमाम बैठकों में, ऐसे G20 जैसे तमाम सम्मेलनों में। और यही है कि यही सब देश हैं, यही ग्लोबल साउथ की बात है जो आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में जो ग्लोबल टेंशन है उसको कम करने में काफ़ी मदद करेगी। अभी हालिया दिनों में अमिताभ आपने वो सारे टूर को भी कवर किया है जिसमें पीएम मोदी की कैसी पहचान रही और किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, और इंटरव्यू की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे इस वक्त आप फोकस करें उसमें भी यही है कि एक वैश्विक लीडर की पहचान ही यही होती है कि वो विकसित देशों से सिर्फ हाथ नहीं मिलाए बल्कि उससे जो कमतर देश है उसके साथ आगे बढ़े। अमिताभ जी बिल्कुल, ये हमने ये जो उन्होंने अफ्रीका की बात की, अफ्रीका के गरीब देशों की बात की, मुझे याद है आपने मैं पिछले दौरे में अमेरिका में था, वहाँ उन्होंने वहाँ की कांग्रेस को एड्रेस किया था और कांग्रेस की एड्रेस करने जब कर रहे थे तो वहाँ के सीनेटर्स ही नहीं थे उस कांग्रेस के हॉल में, सीनेट हॉल में अफ्रीका के से आए हुए तमाम देशों के एम्बेसडर्स मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने कहा कि इन देशों को भी G20 और दुनिया भर के जो ऐसे जैसे समूह बने हुए हैं उनमें उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सारे अफ्रीकी एम्बेसडर्स ने वहाँ खड़े होकर मेजें थपथपाई थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रधानमंत्री की और पहली बार अफ्रीका के लिए उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी और प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के देशों को भी अपने इस जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं उसमें इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये व्यापार के बहुत बड़े बाजार हो सकते हैं, यहाँ आबादी है, वहाँ जनसंख्या है, वहाँ घनी खनिज पदार्थ हैं, तो ये देश भी आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको विकास किया की राह दिखाई जाए सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के माध्यम से। और तभी G20 में जब तमाम ग्लोबल लीडर्स मिल रहे हैं, जब बड़े बड़ी शक्तियां मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसे में इन देशों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में कहा है कि भारत ऐसे ही देशों की आवाज़ बनता जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि G20 के पहले ठीक पहले अगर ये सबसे बड़ा इंटरव्यू हमें मिला है और हम पीएम मोदी की बड़ी बातें बता रहे हैं तो इसमें उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ये मैसेज चला गया कि अगर हमारे रूस से बेहतर संबंध है, अगर हमारे अमेरिका जैसे ताकतवर देश से बेहतर संबंध है तो हम उन देशों को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं जो अंतिम छोर पे हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों पहले आपको यूनाइटेड नेशंस की बात हो चाहे अमेरिका में कहने की बात हो, प्रधानमंत्री यूरोप भी गए हैं, UNGA के न्यूयॉर्क जाके UNGA में बोला है, SCO समिट में प्रधानमंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री किसी भी समिट पर जाकर बोलने का मौका नहीं छोड़ते लेकिन उनका संदेश काफ़ी होता है। संदेश नंबर एक ये कि दुनिया में अगर खाद्य संकट है उस खाद्य संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले उन तमाम बड़े देशों को आगे आना पड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ तलखी छोड़नी पड़ेगी, सीमाएँ खोलनी पड़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कोरोना खत्म होने के बाद सबसे पहले कहा था कि अब आने वाला वक्त आतंकवाद का नहीं है, आने वाला वक्त मानवतावाद का है। अगर मानवतावाद की बात करोगे तो ये धरती आगे जाएगी, जो गरीब लोग हैं वो आगे जाएंगे, खाद्य संकट सुधरेगा और इसी तमाम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री अब ग्लोबल वैश्विक स्तर पर अपनी बातें रख रहे हैं और मुझे लगता है कि भारत 140 करोड़ का देश और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और इतनी बड़ी आबादी भी है कि अब दुनिया के देशों को भारत की ज़रूरत है और इसी यही कारण है कि भारत को इस भारत की इस ताकत को प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से मार्केट कर रहे हैं और यही बात G20 की मीटिंग के बारे में प्रधानमंत्री ने कही है, जिसके बारे में और बहुत जानकारियां आपको कल सुबह moneycontrol.com पर जरूर मिलेंगी क्योंकि अभी हम आपको G20 के बारे में बाहर से इतना बता रहे हैं। हाँ, तो हम अपने दर्शकों को फिर याद दिला दें कि सुबह 7:30 बजे ये इंटरव्यू जरूर हम आप तक पहुँचाएंगे। moneycontrol.com को दिया हुआ ये इंटरव्यू बहुत खास इसलिए है क्योंकि G20 की कुछ झलकियां, मतलब पीएम का क्या एजेंडा रहने वाला है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी क्या बातचीत होने वाली है, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाना है, ये पीएम सिलसिलेवार तरीके से मणि कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बता चुके हैं। लेकिन एक बार फिर अमिताभ जी हमें इस पहलू पे हम फोकस करना चाहेंगे कि बीते एक हफ्ते में दो बड़े इंटरव्यू और पीएम ने दे दिए हैं, यानी पीएम वैश्विक लीडर है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष ताकतवर देशों के पहुंच रहे हैं, ऐसे वक्त में ये मैसेज ये संदेश देना कि भारत बहुत आगे निकल चुका है।
बिल्कुल यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो अपना एजेंडा संभाला था सबका साथ सबका विश्वास के साथ 2014 में जो शुरुआत की थी उसमें सबका प्रयास भी जोड़ा, अब सबका विश्वास भी जोड़ दिया है, और यही चारों गाइडिंग प्रिंसिपल उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनके काम आ रहे हैं कि जितने ग्लोबल साउथ के देश हैं, जितने गरीब देश हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करना, उनको जो संकट है उनको दूर करने में अमीर देशों की ताकत का इस्तेमाल करना। तभी तो आपको याद होगा जब यूक्रेन संकट हुआ और अफ्रीका के देशों में और दुनिया के कई भागों में खाद्य संकट पैदा हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपनी अपनी सीमाओं को खोलिए, अब इस आतंकवाद और इस लड़ाई का दौर खत्म हो गया है, सभी स्टेक होल्डर्स को सामने आना चाहिए। तो चिंता पूरी दुनिया की है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन्हीं बातों से दुनिया के तमाम देशों में और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की नजर में उनका कद काफी बढ़ा है, उनकी बात अब सुनी जा रही है, दुनिया उनकी बात को बहुत ध्यान से अब सुन रही है, और यही बात G20 में भी मुझे लगता है G20 के जो बाइडेन भी आएंगे और तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे सबको यही संदेश देंगे वो। मैं दो उदाहरण अपने दर्शकों के सामने इस वक्त रखना चाहती हूं। अभी हालिया दिनों में बीते सवा साल पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमिताभ जी भारत चाहता तो खामोश रह सकता था क्योंकि रूस से हमारे बहुत पुराने बहुत प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन वहां भी भारत के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा हम शांति प्रिय देश हैं, हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो भी विवाद हो वो खत्म हो जाए। ये उन्होंने सवा साल पहले भी ये बात कही थी और अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने दोहराई है। कोरोना के वक्त में अगर उन्होंने ताकतवर देशों को अगर सहायता पहुंचाई तो उन तमाम छोटे छोटे देशों को भी वो साथ लेकर चले जिन्हें बहुत जरूरत थी कि भारत हर स्तर पर उन तक मदद पहुंचाए। बिल्कुल, कोरोना एक उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का। अगर कोरोना के खिलाफ, कोरोना जब से शुरू हुआ आपको याद होगा उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो साक के देश हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इन तमाम देशों को जिनकी सीमाएं लगती हैं एक दूसरे की मदद करें, अगर आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हो, आपको राहत पहुंचाने की ज़रूरत हो, आपको दवाएं पहुंचाने की ज़रूरत हो, आप एक दूसरे से संपर्क करें। ये बात और है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन वहां से प्रधानमंत्री ने चीज़ों को पकड़ा और उन्होंने पूरी दुनिया को ये संकेत दिया, भारत में उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाया, भारत उन पहले देशों में बना जिसने सस्ती दवाई बनाई, कोरोना का टीका डेवलप किया, पहले याद है पोलियो का टीका भारत आने में 20 साल लग गए थे, कालाजार का टीका दुनिया में डेवलप हो गया था भारत में विदेशी कंपनियों ने 20 साल तक नहीं दिया था, तो अब भारत स्वावलंबी हो चुका है, भारत अपनी मुश्किलें आसान करने के लिए सक्षम है, और यही बात कोरोना ने साबित कर दी है कि भारत की आबादी, और प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में और पहले के इंटरव्यू में यही कहा है कि भारत की जनता की क्षमता पर उनको पूरा भरोसा है, और यही कारण है कि भारत अब पूरी ताकत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के प्रधानमंत्री भारत का पक्ष सामने रख रहे हैं और दुनिया में भारत ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी कद ऊपर हो रहा है। अब चूंकि हम भारत की बात करें, पीएम की बात करें और देश में विपक्षी नेता भी हैं, वो भी राजनीति करते हैं, तो हम थोड़ा उस एंगल से भी आपसे समझना चाहेंगे। ये ऐसे वक्त में इंटरव्यू हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कल सुबह 7:30 बजे, लेकिन हमने बड़ी बातें बता दी है किन किन मुद्दे पर फोकस किया है, लेकिन इस वक्त जो भारत इंडिया का विवाद चल रहा है, इस वक्त जो विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि नहीं बीजेपी तो हमसे डरी हुई है, एक बहुत बड़ी बैठक G20 जैसा समिट और उसमें ऐसा विपक्षी खेमे का एजेंडा, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए विपक्ष का एजेंडा तो क्लियर रहता है हमेशा कि अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करें उसका विरोध करें, लेकिन G20 एक बड़ा सम्मेलन है, मुझे याद है 1900 हो सकता है, मैं हमेशा स्कूल में हुआ करता था, लेकिन हाँ। भारत में नॉन अलाइन मूवमेंट समिट हुआ था, इसी विज्ञान भवन में हुआ था और कितना हाइप हुआ था उसमें, फिदेल कास्ट्रो आए थे क्यूबा से, उनको लेकर कितना हाइप किया था, दुनिया भर के 80 देश भारत आए थे, मुझे लगता है दूरदर्शन उस समय एकमात्र चैनल था जो लगातार उसको दिखा रहा था, तो भारत अगर ऐसी बैठकें आयोजित कर रहा है तो मुझे लगता है तमाम पार्टियों को, तमाम विरोधियों को, तमाम आलोचकों को इसमें साथ आना चाहिए कि कम से कम भारत तो आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री का मान भले ही बढ़ रहा है लेकिन इसमें भारत की वाह वाह हो रही है और आने वाले दिनों में जी बिल्कुल इस पे हम बहुत बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सब कुछ भूलकर राजनीति से परे हटकर सबको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं और अगर भारत की तरक्की के लिए G20 हो रहा है तो सबको एक साथ होना चाहिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।